हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं दोपहर के एक, और ठीक दोपहर के एक बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से आओ और शुरू कर दे फिर अपने आज के सेशन को। बिल्कुल, कैसे हो आप सभी लोग? पहले कुछ ये बता दो ना, पहले थोड़ा हालचाल हो जाए। नहीं, क्या कह रहे हो? बड़ा दुख है जीवन में, कोई नहीं पूछता हालचाल। चलो हम पूछ लेते हैं, क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है घर में, परिवार में? ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखो, पहले तैयारी तो खैर करनी ही करनी है, वो तो मतलब उसके लिए तो कोई और ऑप्शन विकल्प है ही नहीं, लेकिन अपना ख्याल भी जरूर रखें, अपनी बॉडी का ख्याल बहुत रखें। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका शरीर चंगा है तो सारी चीजें चंगी होती चली जाती है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं 9 बज रहे हैं अभी पढ़ लेता हूँ, खाना खाऊंगा 2 घंटे बाद, तो धीरे धीरे ना वो आदत बन जाती है, और फिर वो आदत एक टाइम पर बहुत परेशान करती है, फिर दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, और फिर पढ़ाई तो खैर आफ्टर ऑल वो तो करनी ही है ना, उसका तो कोई और विकल्प है ही नहीं। तो चलिए इसी प्यारी सी पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ, मोटिवेटेड लाइनों के साथ शुरू करते अपने आज के सेशन को। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल को खुद की मेहनत से ही मिलती है। आप किसी की सलाह लेकर रास्ते तो पता कर सकते हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते पर आपको चलना होगा। मतलब अगर आपको मंजिल पानी है ना, तो केवल ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है, आपको चलना पड़ेगा रास्ते पर, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मंजिल मिलनी भी तो आपको ही है। इसी के साथ शुरू करेंगे अपने आज के सेशन को, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं नेटवर्किंग का वो पार्ट जो 100% अगर नेटवर्किंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो ये मान के चलिए 100% इन्हीं 30 क्वेश्चन के आसपास आएगा। तो नेटवर्किंग से संबंधित 30 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। जल्दी से सभी स्टूडेंट सेशन में आ जाइए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अपनी आज की क्लास को। पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, पढ़ो इसे फटाफट से, बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्या है क्वेश्चन? पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम कौन सा है? फुली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इनमें से किस नेटवर्क को कहा जाता है? इतनी सारी बातें करनी है आपको, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आपकी सारी बातों पर गौर किया जाएगा, बट पहले क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं, ठीक है? फिर आपकी जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं उन सभी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है? करो जरा इसका आंसर, बताइए क्या हो सकता है। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, बच्चा पढ़ोगे डेली तो डेफिनेटली हेल्प होगी आपकी। फुली इंटरकनेक्टेड, फुली इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है सारे के सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर A to Z, सारे कंप्यूटर आपस में कब कनेक्ट होते हैं? जब कंप्यूटरों को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। भाई मैं तभी तो बोलूंगी सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, और ये वाली कनेक्टिविटी मैश टोपोलॉजी कहलाती है। मैश टोपोलॉजी के अंदर प्रत्येक कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैश टोपोलॉजी को और किस नाम से जानते हैं, तो मैश टोपोलॉजी को बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। मैश टोपोलॉजी को बहुदिशीय, मैश टोपोलॉजी को बाई डायरेक्शनल बहुदिशीय टोपोलॉजी भी कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब का इस्तेमाल होता है। हब एक मेन कंप्यूटर जिससे अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ा जाए, स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार दो टोपोलॉजी को मिलाकर बनाई जाती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ट्री टोपोलॉजी को बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी से मिलाकर बनाया जाता है। रिंग टोपोलॉजी, गोल सर्किल में अगर कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए, इसे रिंग टोपोलॉजी कहती है, और टोकन डेटा की सबसे छोटी इकाई रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है।
टोपोलॉजी का मतलब क्या है मैडम? इतनी देर से हम टोपोलॉजी पढ़ तो रहे हैं पर मतलब क्या है इसका हमें नहीं पता। टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर को जोड़ने का स्ट्रक्चर। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की आकृति को टोपोलॉजी कहा जाता है। कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? पांच। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। अब क्लियर हो गया होगा सारा का सारा काम, आगे चल सकते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज लिमिटेड टू कॉलेज कैंपस ओनली? केवल कॉलेज कैंपस के लिए इनमें से किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, बता दो। वेरी वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें बताई। इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कैंपस का नाम लेगा, ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार यही घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। जब भी कैंपस का नाम क्वेश्चन में लिया जाए तो कैंपस के अंदर कैंपस एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। ये केवल तभी आएगा उत्तर में जब कैंपस क्वेश्चन में दिया हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है। ऑफिस लैंड जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉर्पोरेट डैश के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। किसके प्रयोग से जोड़ा जा सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से किसके अंदर लैन को जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है? छोटे छोटे भौगोलिक तौर पर जो लैन है उनको जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व को जोड़ना। वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क के तारों को आपस में जोड़ा जाता है। मेजरली तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरे डैम नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, ये केवल डरा रहा है आपको, ठीक है। बेसिकली तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, कम दूरी वाला। एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक होता है वैन, जिसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क 1 से 2.5 किलोमीटर तक की जगह घेरता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 10 से 50 किलोमीटर की तक की जगह घेरता है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे विश्व को, ये ब्रॉडबैंड होता है, पूरे विश्व को आपस में कनेक्ट करने वाला, ठीक है। एक होता है PAN, पैन। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, निजी काम काजों के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क 30 फीट तक के नेटवर्क को प्रदान करने के लिए 1 से 10 मीटर तक नेटवर्क देने के लिए पैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी लैन, मैन, वैन, पैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टर्मिनल इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग के क्षेत्र में टर्मिनल से आप क्या समझते हैं? 25 सेकेंड है आपके पास, करिए। अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है भाई, क्या हो गया? ब्लूटूथ पैन के अंदर आता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। और ब्लूटूथ का आविष्कार जाप हार्ट सिन नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। टर्मिनल किसे कहा जाता है? एक ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। नहीं बाबू मोशाई, पावर को सप्लाई करने वाला एक तो होता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है।
पावर को सप्लाई करने वाला एक होता है यूपीएस, जो कंप्यूटर का इन्वर्टर होता है, तो पावर तो सप्लाई नहीं करेगा। एक पॉइंट है जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश या आगे निकलता है। टर्मिनल मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जो बता रहा है कि यहां से तो काम शुरू होगा और यहां पे काम खत्म हो जाएगा। टर्मिनल एक पॉइंट होता है जिसके द्वारा बताया जाता है कि काम कहां से शुरू कहां पर खत्म। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बस टोपोलॉजी के बारे में बताया था, बस टोपोलॉजी के अंदर केवल यही है, वो बस टोपोलॉजी के अंदर टर्मिनल का इस्तेमाल होता है। बस टोपोलॉजी में दो टर्मिनल होते हैं, एक जो ये बताता है कि काम यहां से शुरू हो रहा है, दूसरा जो ये बताता है यहां पर काम खत्म हो गया है। तो बस टोपोलॉजी में दो टर्मिनल होते हैं, स्टार्टिंग का और एंडिंग का। टर्मिनल नहीं गुफा कहते हैं, जहां से घुसना और जहां से बाहर निकलना होता है। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही तार है और बहुत सारे पॉइंट से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या है, इनमें से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटोकॉल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ, समय तो नहीं आ रहा, ऐसे ही बताना पड़ेगा। प्रोटोकॉल क्या होता है, इनमें से क्या है प्रोटोकॉल, बताइए जरा, एक आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी गुड, आंसर आना भी स्टार्ट हो चुका है। प्रोटोकॉल अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी नियम वे कानून के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूं। जैसे अगर आपको ईमेल भेजनी है, अगर आप किसी को ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करना चाहते हैं, अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से कानून का इस्तेमाल करना पड़ता है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पे प्रत्येक काम को करने के लिए आपको एक नियम के अनुसार काम करना पड़ता है, और वही नियम प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डिवाइस विच कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट केबल कॉर्ड? जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? बिना केबल के नेटवर्क से जुड़ने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर फटाफट से। तो बिना केबल के, केबल तो नहीं है, वायर तो नहीं है, बिना केबल के कनेक्ट होने वाला बिना वायर के होगा, वायरलेस कनेक्शन कहलाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वायरलेस में पूछ सकता है कि ब्लूटूथ किस टेक्निक पर काम करता है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक पर काम करता है। एक डिस्क से जो नेट मिलता है, नेटवर्क मिलता है दूसरे डिस्क से, कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करती है इसके बीच में? इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स का काम होता है। जब आप रिमोट कंट्रोल चीज से टीवी चलाते हो या एसी चलाते हो, वहां पर कौन सी वेव्स इस्तेमाल की जाती है? इंफ्रा रेड वेव्स इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस डिवाइस में लैन लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग नहीं किया जा सकता? इनमें से किस डिवाइस के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर का यूज होगा, बिल्कुल होगा भाई, कंप्यूटर तो लोकल में ही आएगा, पास पास जगह, थोड़ी सी जगह में नेटवर्क बनाकर चलाने के लिए। इंटरफेस कार्ड आईसी का भी यूज होता है, निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लोकल एरिया नेटवर्क में केबल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मॉडम की फुल फॉर्म हो जाती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगर आप किसी भी तरीके से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करते हैं,
एनालॉग को डिजिटल में चेंज किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। इस प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। और जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करते हैं तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो यही होती है कुल मिलाकर चीज आपकी, है ना। और क्या पूछता है? मॉडम कौन सी लेयर पर काम करता है? तो मॉडम OSI के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। मॉडम OSI के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है। आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। व्हाट इज द नेम ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी पॉसिबल नोड हैज अ बाई डायरेक्शनल लिंक? देखो और ध्यान से देखो और पढ़ो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया हुआ है? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होती है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या आंसर आएगा? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में। बताओ इनमें से कौन सा नेटवर्क बाई डायरेक्शनल या कौन सी टोपोलॉजी बाई डायरेक्शनल कहलाती है? 25 सेकंड काफी है। बाई डायरेक्शनल द्विदिशीय से काम करने वाली कौन सी टोपोलॉजी थी? मैश। मैश टोपोलॉजी को बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने इस क्वेश्चन को करा बहुत अच्छे से, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खोल खोल के बता रही हूं आपको सारी चीजें। मैश को बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। पहला ही क्वेश्चन करा है और अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं 8वां क्वेश्चन, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो आप? क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन समानतः शेयर किया जा सकता है? कंप्यूटर के अंदर आप इनमें से किस सामान को शेयर कर सकते हो? सपोज करो 2-3 कंप्यूटर आपस में है, इनमें से कौन सी चीज शेयर की जा सकती है, शेयरिंग होती है? बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। हां जी हाँ, मल्टी पॉइंट है बस टोपोलॉजी, मल्टी पॉइंट होती है। बाय डायरेक्शनल मैश टोपोलॉजी को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटर को आप एक से ज्यादा कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भी डिवाइस को, नहीं 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 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नहीं होगा बच्चा, प्रिंटर होगा, ठीक है। किसी भी डिवाइस को जब हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं, जैसे प्रिंटर को हमने कंप्यूटर से जोड़ा, तो किसी भी पेरिफेरल डिवाइस का या इनपुट आउटपुट डिवाइस को जब कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो कंप्यूटर में एक फिजिकल एड्रेस आता है। फिजिकल एड्रेस को कहा जाता है मैक एड्रेस। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस आपकी मेमोरी में 48 बिट की जगह लेता है, ये फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। और लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है? आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं मैक एड्रेस को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा नेटवर्क है? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क छोटे नेटवर्क के अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसका आंसर भी जल्दी से। हाँ जी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर में दो एड्रेस होते हैं जो यूनिक होते हैं, एक होता है लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस, दूसरा होता है फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नेटवर्क है? तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क इनमें से छोटा नेटवर्क पाया जाता है। रैम ये कोई नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो लैन सबसे छोटा एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसके साथ कुछ सूचना आपको बैच के बारे में बतानी जरूरी है, उसको एक बार देख लेंगे एक नजर। SST 2023 प्री और मेंस की जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी, बच्चा आपके लिए सिलेक्शन बैच निकाला गया है। CGL CSHL CPO इन सभी स्टूडेंट्स को इसमें पढ़ाया जाएगा। 70% ऑफ मिल रहा है, तो एग्जाम 70 कोड लगाकर कोर्स आपको मिलेगा 899 में। 31 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है और 1 फरवरी से क्लास शुरू हो जाएगी। जो बच्चे SSC MTS और IB MTS के लिए कर रहे हैं तैयारी, आपके लिए प्रतिज्ञा बैच निकाला गया है।
70% डिस्काउंट है, 25 जनवरी आज लास्ट डेट है, 599 का ये बैच आपको दिया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से क्लासेस, पीडीएफ, सारी चीजें आपको इसमें भी मिलेंगी। तो अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर 500, 600, 900 में आपको अगर कोई बैच दिया जा रहा है, तब तक रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। इतने सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, इतनी पीडीएफ मिलेगी, तो ये वैल्यू फॉर मनी होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है जो आप अपने ऊपर करते हो थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ने के लिए। व्हाट इज डंब टर्मिनल? डंब टर्मिनल इनमें से किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज डंब टर्मिनल, बताइए जरा, डंब टर्मिनल इनमें से किसे कहा जाता है? भाई वो होता है डंब टर्मिनल जिसमें खुद की मेमोरी नहीं होती, जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर खुद की मेमोरी नहीं है, तभी तो हब को डंब टर्मिनल कहते हैं। जिसमें खुद की मेमोरी नहीं होती, माइक्रो कंप्यूटर को नहीं, टर्मिनल सीपीयू नहीं, सेंट्रल कंप्यूटर नहीं, टर्मिनल विद नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस, जो बुद्धू है, जिसके अंदर खुद की कोई मेमोरी नहीं है, उसे कहा जाता है डंब टर्मिनल। हब एक डंब टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। आपको पता है डंब टर्मिनल का मतलब क्या है? आप पढ़ तो लेते हो, आपको पता है क्या करते हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम? मतलब देखो, अगर मैं कोई कनेक्टर ले आऊं, इसका काम केवल इतना है, ये मेरे जैक को आपके जैक से जोड़ देगा केवल। अब यहां पर आप अपना जैक लगाओ, पापा का लगा दूं, मम्मी का लगा दूं, भैया का लगा दूं, ये केवल जोड़ेगा। इसको नहीं पता किसका क्या आईपी एड्रेस है, इसके अंदर कोई चिप नहीं है, केवल एक ऐसा हार्डवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है दो तारों को जोड़ने के लिए। इसके अंदर खुद की मेमोरी नहीं है ना, तो ये डंब टर्मिनल कहलाएगा। ठीक है, आप स्विच लेते हो, हम 3 पिन खरीदते हैं भाई, अगर हमें हमारे घर में केवल एक ही स्विच बोर्ड है और आप उसमें ऑल आउट भी लगाना चाह रहे हो, अपना फोन भी चार्ज करना चाह रहे हो, तो हम 3 पिन खरीदते हैं। कुछ इस तरीके का होता है 3 पिन, ऐसा होता है, इधर भी होती है भाई, अब तो खैर बहुत सारे तरीके के आ गए, नहीं होता, एक्सटेंशन बोर्ड भी जिसे कहते हैं। अब इसमें खुद की मेमोरी नहीं होती है, अगर मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड लाकर लगा दूं, उसमें मेरे पास बहुत सारे स्विच उपलब्ध है, इसमें खुद की मेमोरी नहीं है, मैं जो भी प्लग लगाऊंगी वो चलना शुरू हो जाएगा, चाहे मैं प्रेस वाला इसमें लगाऊं, चाहे फोन का चार्जर इसमें लगाऊं, इसके अंदर खुद की मेमोरी नहीं है, ये डंब टर्मिनल है। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे होता ही है ना। आ जाओ, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इनमें से कौन सा एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर। सेंट्रल कंप्यूटर जो डेटा को क्या करता है भाई, डेटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है, सर्वर। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसमें पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सारा का सारा डेटा या प्रोग्राम किससे लेते हैं, सर्वर से। एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट कहते हैं सेवा लेने वाला, रिक्वेस्ट जो करता है, सर्वर कहते हैं सेवा देने वाले को। तो डेटा किससे लोगे, जिसके पास होगा, किसके पास होगा, जो सेंट्रलाइज्ड है, हर किसी को डेटा दे रहा है, सर्वर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लाइंट जो हम अगर मोबाइल फोन से कंप्यूटर चला रहे हैं तो मोबाइल फोन हमारा क्लाइंट है, अगर हम कंप्यूटर से इंटरनेट चला रहे हैं तो कंप्यूटर हमारा क्लाइंट है, हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए किया जा रहा है वो क्लाइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए जरा फटाफट से बता दीजिए आज क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से वाइड एरिया नेटवर्क किस क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है? इनमें से किस क्षेत्र के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, करिए जरा, किस क्षेत्र के अंदर आपके वैन वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? विदेश मंत्रालय, बिल्कुल ब्रॉडबैंड दूर दूर तक जा रहा है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, नगर विमानन डिपार्टमेंट, विमानन है भाई, विमान में जानकारी भेजनी है, ये भी वाइड होगा। विदेशी बैंक को भेजने, ये भी, लेकिन नगर निगम के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वाइड एरिया नेटवर्क
उपयोगी नहीं होता। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन से भी काम होता है और लोकल से भी होता है, ठीक है। नगर निगम, केवल नगर नगर की बात करनी है तो यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क का इतना प्रभाव नहीं होता या उपयोगी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए जरा फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ATM फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ विच नेटवर्किंग। ATM फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जाती है बैंकों के द्वारा, भाई पैसे निकालने हैं, आप ATM पे गए, कार्ड लगाया, पैसे निकाल के आ गए, तो ATM पे जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो नेटवर्किंग के कौन से उदाहरण, किसका उदाहरण है, कौन सी नेटवर्किंग का उदाहरण है। हम ATM से सर्विस प्रोवाइड करवा कर सकते हैं, ये इनमें से कौन सा, किसका उदाहरण है, तो वाइड रीजनल नेटवर्क। हर रीजन का अपना ATM होता है। चेन्नई में हो किसी जगह तो वहीं का आप निकाल पाओगे वहीं के ATM से पैसे, भाई जाहिर सी बात है निकाल तुम कहीं से भी सकते हैं, बट ये रीजनल वाइज बनाए गए ATM होते हैं जिनमें से पैसे उनके पास वाले बैंकों से भेजे जाते हैं। बैंक में पैसा भेजता है RBI, बैंकों का बैंक, तो ये वाइड रीजनल नेटवर्क के अंदर ATM आता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM में कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ATM में जो प्रिंटर लगे हुए होते हैं जो आपको रिसिप्ट रसीद प्रिंट करके देखते हैं वो थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं हम थर्मल प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा फटाफट से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, हाँ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 15 आपको क्या, कि जब कई सारे कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहते हैं। वाह क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 25 सेकेंड है आपके पास, करिए जरा इसको फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई जब बहुत सारे कंप्यूटर को एक ही जगह में कनेक्ट करना है, जोड़ना है, बहुत सारे कंप्यूटर को एक ही जगह में जोड़ना है, मतलब लोकल जगह में जोड़ना है, तो वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क लैन का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही कंप्यूटर को, बहुत सारे कंप्यूटर को एक ही जगह में जोड़ने के लिए लैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंप्यूटर की लैब जो होती है या लाइब्रेरी जो होती है, या लाइब्रेरी से अच्छा एग्जाम्पल होगा जो कंप्यूटर की लैब होती है ना, लैब में नहीं जाते थे बचपन में, तो वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस तकनीक में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है। ओ माय गॉड क्या पूछ रहा है ये, पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत 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 बढ़िया भाई। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी में अगर आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जहां से डेटा जा रहा है और जहां पर डेटा को पहुंचना है वो दोनों सीधी रेखा में होने जरूरी है, इनके बीच में कोई नहीं आ सकता, वो दोनों सीधी रेखा में होने चाहिए, उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। अच्छा बचपन में जैसे आप अगर दो तीन भाई बहन होंगे तो लड़ाई झगड़े तो सभी के घर में होते हैं, भाई बहन का लड़ाई झगड़ा ना हो तो फिर किसी का ही होगा, नहीं बहन बहन का भी हो जाता है खतरनाक। तो आपने कभी ऐसा किया है, आपकी बहन के पास रिमोट होगा या वो छुपा कर गई और आपको रिमोट मिला नहीं, आपकी बहन ने रिमोट ले रखा है, वो टीवी पर कुछ देख रही है, आपने टीवी के सामने तकिया डाल दिया। अब टीवी के सामने तकिया रख दिया, बहन ने कितनी भी कोशिश कर ली चैनल चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सास भी कहीं बहुएं देख रही पड़ रहा है पूरे घर में, होता है ना ऐसा कभी कभी, नहीं या मम्मी करती है मेरा सीरियल आ रहा है हम तो यही देखेंगे, और लगा के रिमोट छुपा दिया और उसके सामने कुछ लगा दिया। इसका मतलब आप कोई भी रिमोट कंट्रोल चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो एसी का रिमोट हो एसी चलाने के लिए, टीवी का रिमोट हो टीवी चलाने के लिए, रिमोट कंट्रोल गाड़ी हो, किसी भी तरीके के रिमोट कंट्रोल चीजों को जहां से, भाई जो रिमोट होता है जहां से आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, जहां पर एनर्जी डालनी है वो दोनों सीधी रेखा में होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी भौतिक वस्तु नहीं होनी चाहिए। ऐसा किसके अंदर होता है, इंफ्रारेड के अंदर, ब्लूटूथ नहीं होगा बच्चा कहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने मुझसे ब्लूटूथ से कोई फाइल मांगी, मैं फाइल को भेज रही हूं, ठीक है, अब आप अपने फोन के आगे तकिया लगा लो, फोन के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, फाइल तो चली जाएगी, है ना, तो ब्लूटूथ नहीं होगा। इंफ्रारेड एक ऐसी रेज होती है, ये अनगाइडेड मीडिया होती है, मतलब वेव्स होती है, तरंगे होती है,
भौतिक वस्तु इसके बीच में नहीं आनी चाहिए, अगर भौतिक वस्तु आ गई तो इसका नेटवर्क टूट जाता है, ठीक है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, 17 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, करो करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूरे विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क, स्टार्टिंग जब हुई थी इंटरनेट की तो शुरुआत हुई थी आर्पानेट से, पूरे विश्व का पहला नेटवर्क आर्पानेट को माना जाता है। 1969 में अमेरिका की आर्मी के लिए सबसे पहले बना था डरपा, आगे चल के डरपा, आगे चल के कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर दिया गया तो इसका नाम पड़ गया आर्पानेट, और फिर इसको इंटरनेट बना दिया था। आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। अमेरिका में शुरुआत हुई थी, पहले बना था डरपा फिर बना था आर्पा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, ये रहा अगेन, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को भी और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। समय नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, पर समय से आंसर देना होगा। निम्नलिखित में से ब्रांड या ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है? इनमें से कौन से इंटरनेट कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो जब आप डायलअप कनेक्शन करते हो तो आपको ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यूज करनी होती है, डायलअप कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लीज लाइन जब डायरेक्ट नेटवर्क को सिस्टम में फिट कर दिया जाए, डायरेक्ट केबल उठाकर आपके सिस्टम में लगा दी, डायरेक्ट आ रहा है, इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होती है। ISDN कनेक्शन होता है इंटीग्रेटेड, सारी सर्विस को पहले इकट्ठा कर लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ठीक है। डिजिटल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो सारी की सारी सर्विसेज को एक साथ दे देता है, ठीक है। बाकी टेलीफोन तार का इस्तेमाल करके जो नेटवर्क बनता है वो आपका डायलअप कनेक्शन हो जाता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टेलीविजन या टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? टेलीफोन इनमें से किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है? याद है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हमने काफी टाइम पढ़ा था। टेलीफोन इनमें से कौन से ट्रांसमिशन का उदाहरण होता है? करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट है, एक मिनट पूरा पढ़ लेना इसको। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट पूछ रहा है, ब्रॉडकास्ट, इसने वॉइस कॉल नहीं दिया, कहीं इसको फुल डुप्लेक्स कर दोगे। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट दे रहा है, कोई भी चीज अगर ब्रॉडकास्ट होती है, एफएम रेडियो, नहीं आपने सुना, कोई भी चीज अगर ब्रॉडकास्ट हो रही है वो केवल सिंगल टाइम सिंगल वे से होगी, एक टाइम एक जगह से डेटा आएगा, जब डेटा आ जाएगा तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। या टेलीफोन ब्रॉडकास्ट को आप वॉकी टॉकी पर बात करने से भी रिलेट कर सकते हो। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट और वॉकी टॉकी एक ही प्रकार के यंत्र की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट, आपके पास अगर कोई डेटा पहुंचा पहले वो आ जाएगा तब आप उसका आंसर दोगे। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, कई बार आपने देखा होगा जब पुरानी मूवी देखते थे, नहीं किसी को फोन करते थे, सामने वाला घर में मौजूद नहीं होता था तो बोला जाता था कि बीप के बाद अपने मैसेज को छोड़ें, टी फिर मैसेज छोड़ते थे कि भाई वो ऐसा हो गया, वहां से वो भाग गया, उसने वो नागिन भी बन जाती है, उसे सावधान रहना, ऐसे ऐसे नहीं होते थे मैसेजेस। तो वहां पे क्या होता था, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तभी सामने वाला उसका रिप्लाई दे पाएगा। तो चाहे वो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट बोले या वॉकी टॉकी बोले, ये दोनों हाफ सिंप्लेक्स होते हैं, हालांकि इसमें हाफ डुप्लेक्स आना चाहिए था, चलो कोई नहीं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में दिया जाए वॉइस कॉल किसका एग्जाम्पल है, जब आप कॉल करते हो आवाज, मतलब बात करते हो एक दूसरे से, वीडियो कॉल किसका एग्जाम्पल है,
तो वॉइस कॉल वीडियो कॉल ये फुल डुप्लेक्स के अंदर आता है, ठीक है, एक ही समय में दोनों तरफ से बातें हो रही है, ये टेलीफोन ब्रॉडकास्ट था इसलिए ये हाफ डुप्लेक्स के अंदर आया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल एरिया नेटवर्क यूजफुल फॉर, निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क इनमें से किसके लिए उपयोगी होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इनमें से किसके लिए अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर। लोकल एरिया नेटवर्क इनमें से सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए होते हैं, बताओ जरा बताओ। रेलवे के लिए नहीं, रेलवे के लिए तो WAN चाहिए भाई, ट्रेन कहां से लेट है, कितनी लेट है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो वाइड एरिया नेटवर्क में आ रहा है। बैंक, बैंक के लिए भी वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए, किसी ने चेन्नई में पैसा निकाले दिल्ली में आके पूरे ले लेगा, ये ना हो सकेला क्योंकि भैया वाइड एरिया नेटवर्क है, कहीं से ही पैसे निकालो जाएंगे तो आपके खाते से ही। व्यापारी, व्यापारी मर्चेंट के लिए लोकल एरिया नेटवर्क सबसे सही होता है, कैसे, अब मैं व्यापार कर रही हूं, ठीक है, मैंने कंपनी खोली, अब मैं उसमें बहुत सारे सिस्टम को आपस में जोड़ना चाहती हूं और देखना चाहती हूं कि जो भी मेरा काम हो रहा है सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मर्चेंट मतलब व्यापारी, जैसे आपने बहुत सारे देखोगे, जैसे बिग बाजार होता है, स्मार्ट बाजार होता है, डी मार्ट होता है, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप जाते हो खरीदारी करते हैं, नहीं जैसे परचून की दुकान होती है ऐसे मॉल होते हैं जहां पर चीजें खरीदी जाती है, सामान खरीदने जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर बहुत सारे सिस्टम है भाई, यहां पर भी आप बिलिंग करवा सकते हो, यहां पर भी अपने सामान की बिलिंग करवा सकते हो। अब जो मालिक है वो तो मजे में बैठा है, क्यों बैठा है, क्योंकि उसने अपने अपने जगह, जिस जगह को ऑक्यूपाई किया है उस जगह नेटवर्क लगा रखा है कि भाई जिस भी सिस्टम से जितनी भी बिलिंग होगी उन सभी का डेटा मेरे मेन कंप्यूटर में आ जाएगा। मर्चेंट व्यापारी के लिए लैंड लोकल एरिया नेटवर्क ज्यादा उपयोगी होता है बजाय इन सबके। मोटर वाहन दफ्तर में कैसे कर पाओगे बताओ, ठीक है, मोटर वाहन दफ्तर में भी नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता मैं आपको बता देती हूँ। देखो लोकल एरिया नेटवर्क होता है जहां पर वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तार का। मोटर व्हीकल ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, सपोज करो आपको अपना लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, आप गए हो कहीं पर गाजियाबाद वाले RTO में गए हो और आपको मतलब बनवाना है कहाँ के एड्रेस पर, आजमगढ़ वाले एड्रेस पर, गोरखपुर वाले एड्रेस पर, तो वहां पर वेरीफाइड होती है सारी चीजें, वेरीफाई की जाती है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप दिल्ली में या ऑनलाइन आपने कहीं पर भी अप्लाई कर दिया, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपके घर पर, तो ये पूरा नेटवर्क होता है, इसलिए वहां पर आप वैन का इस्तेमाल करेंगे। मर्चेंट व्यापार के तौर पर हम लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाओ अब 10 क्वेश्चन और बचे उन तक चलेंगे, पर एक और सूचना आप सभी के लिए, जो बच्चे ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, क्लर्क और HP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए दिव्य बैच लॉन्च किया गया है। दिव्य बैच एक ऐसा बैच है जिसकी फीस है 1499 रुपए, जिसमें सभी के लिए तैयारी करवाई जा रही है, साथ ही में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, करंट अफेयर्स, हैंड रिटन नोट्स भी टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं। 60% इस पर ऑफ चल रहा है, आप इस बैच को इस फीस पर ले सकते हैं। एक साल की वैलिडिटी, एक साल के लिए आपके पास बैच रहेगा, क्लासेस रहेंगी, PDF सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चा, व्यापार और व्यवसाय वैसे ही दिखने में दोनों सेम वर्ड है लेकिन होते अलग है। अगर कॉमर्शियल यूज बोलता तो कॉमर्शियल यूज के लिए लोकल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मर्चेंट के लिए होता है, ठीक है, व्यापारी के लिए है उपयोगी, व्यवसाय के लिए नहीं है लोकल एरिया नेटवर्क, तो यहां पर व्यवसाय थोड़ी, व्यापारी तो दिया हुआ था। आप दोनों देखो ना, आप कंफ्यूज मत हो, देखो एक होता है मर्चेंट और एक होता है बिजनेस या कॉमर्शियल, एक होता है व्यापारी और एक होता है व्यवसाय, मतलब अगर आप किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हो, व्यापारी और व्यापार, तो व्यापार के लिए वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, कौन मना कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही, लेकिन व्यापारी के लिए लोकल एरिया नेटवर्क यूज होगा, यहां व्यापारी दिया है, व्यक्ति दिया है, सिंगल व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए यहां पर व्यापारी आंसर था। अगर व्यवसाय होता तो जाहिर सी बात है, व्यवसाय अगर कोई बिजनेस कर रहा है वहां तो वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए, फिर लोकल थोड़ी ना होगा, लेकिन व्यापारी के लिए लोकल एरिया नेटवर्क होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए जरा फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण को शेयर कर सकते हैं। जो नेटवर्क तारों के सहारे जुड़ते हैं, जो कंप्यूटर वायर की मदद से जुड़ रहे हैं, वो बहुत सारे पेरिफेरल, प्रिंटर, एक प्रिंटर को दो तीन कंप्यूटर में जोड़ दो, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से आप पेरिफेरल इक्विपमेंट को या इंफॉर्मेशन को फटाफट से शेयर कर सकते हो। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर से होते हैं, और इसमें मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से भी डालती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आप क्वेश्चन को ढूंढ कर देख लेना, एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी कभी धोखा नहीं देती। भौगोलिक रूप से कंप्यूटर में सूचना या आदान प्रदान करने के लिए किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योग्राफिकली रूप से अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज एक्सचेंज करना चाहते हैं तो किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो ज्योग्राफिकली दूर दूर तक भौगोलिक रूप से आपको इंफॉर्मेशन क्या करनी है, एक्सचेंज करनी है। बहुत बड़े ज्योग्राफिकली रूप से अगर आप भेजोगे तो WAN वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई, हम यहाँ पर दिल्ली में तो नहीं, हम तो नोएडा में हैं, हम यहाँ पर नोएडा में बैठे हुए हम देख सकते हैं कि भाई कनाडा का क्या हाल है, कितनी बर्फ गिर रही है, और यहाँ पे कोई है शिमला से, नैनीताल से, उत्तराखंड से कोई बच्चा देख रहा है क्या क्लास? तो भाई हम देख सकते हैं शिमला में बर्फ गिरनी शुरू हुई या नहीं हुई, प्लान करें घूमने का, या फिर उत्तराखंड में बर्फ कहीं किसी जगह गिरनी शुरू हुई है या नहीं हुई है, लेह लद्दाख जाने लायक है या रास्ता नहीं है, तो सारी जानकारी मिल रही है ना। तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफिकली रूप से अगर आप डेटा का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, फिर तो थोड़े रिपीटेड फॉर्म में ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, करिए जरा इसे। शिमला से हो, उत्तराखंड से भी हो, बर्फ गिर रही है, चलो। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। छोटा सिंगल साइट, छोटा नेटवर्क चाहिए तो लोकल एरिया नेटवर्क को लेना होगा। 1 से 2.5 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करने वाला नेटवर्क होता है, इसमें केबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, केबल मतलब वायर का इस्तेमाल किया जाता है, केबल का इस्तेमाल OSI की फिजिकल लेयर में किया जाता है। जब मैं आपको OSI से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तब आपको OSI भी क्लियर हो जाएगी। आगे आ जाओ। What are made to share information in two or more computer? इनमें से किसके द्वारा, important question, 2 या 2 से अधिक computer में सूचना शेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, राउटर का, सर्वर का, नेटवर्क का या सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर में सूचना को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर किसी भी कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में डेटा को भेजना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना, तो नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क, अरे सर्वर का इस्तेमाल करो, नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप से ले लूं, मैं अपनी सिस्टर को, बहन को मैसेज करती हूँ, क्या मैंने कहा चलो दीदी आज शाम को चलते हैं, या आज शाम को मैं आ रही हूं आपके घर, खीर पूरी बनाकर रखना। तो भाई एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने के लिए नेटवर्क का होना जरूरी है। सर्वर तो तब लेंगे ना जब आप सर्विस सेवा ले रहे हो, यूट्यूब खोल रहे हो तो सर्वर की मदद लोगे, बट डेटा को इंटरचेंज एक्सचेंज करने के लिए तो नेटवर्क चाहिए होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। In which network topology only one cable connected to the component? बहुत सारे घटकों को आपस में जोड़कर रखने के लिए किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक केबल में बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। सॉफ्टवेयर भी तो हो सकता है मैम, नहीं सॉफ्टवेयर कैसे होगा बताओ, कैसे? देखो आप जो आंसर दे रहे हो कोई नहीं, उसकी पुष्टि तो करो। इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे? अच्छा मेरे फोन में व्हाट्सएप है पर नेटवर्क नहीं आ रहे, तो क्या आप भेज दोगे मैसेज? नहीं भेज पाओगे, नेटवर्क का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आ जाओ,
एक सिंगल केबल का इस्तेमाल करके कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, या बस टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से डायल अप इंटरनेट का क्या लाभ होता है? डायल अप इंटरनेट कनेक्शन का मतलब क्या है, या डायल अप इंटरनेट का क्या लाभ होता है? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। डायल अप के बारे में पीछे अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी, ध्यान आ रहा है अगर आपको तो आप आंसर कर जाओगे। डायल अप कनेक्शन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करता था। डायल अप कनेक्शन से क्या लाभ होगा कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे, विद्वान नहीं भैया, सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, नहीं, ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, इसलिए डायल अप कनेक्शन का यूज किया जाता है। ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था इसी से संबंधित कुछ कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो इनमें से किससे कनेक्टेड होते हैं और दूसरे कंप्यूटर को साधन प्रदान करते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, मेन फ्रेम से जुड़े हुए होते हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, या क्लाइंट से जुड़े हुए होते हैं, करिए जरा फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करिए जल्दी से फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैम डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, बता रही हूं फुल फॉर्म, थोड़ा सा रुको। ठीक है, तो सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, दूसरे कंप्यूटरों को साधन प्रदान करते हैं। मैंने यहां पर क्लाइंट क्यों नहीं किया, कोई बताएगा उत्तर, हालांकि सबका सही आ रहा है नेटवर्क, भाई क्लाइंट मैं क्यों करूं जब उसने खुद बोल दिया कि ये दूसरे कंप्यूटर को साधन दे रहा है, तो दूसरा कंप्यूटर तो क्लाइंट ही हो गया। जब उसने पहले ही मुझे क्वेश्चन में क्लाइंट के बारे में दिया हुआ है तो काहे मैं भी क्लाइंट उत्तर करूं। सर्वर नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, इसी वजह से वो दूसरे कंप्यूटर में साधन को दे पाते हैं, सोर्स को दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर। बच्चा क्लियर तो है, विजिबिलिटी क्लियर है, एक बार एरोप्लेन मोड ऑन करके या ऑफ करके ऑन करो, देखो क्लियरिटी। क्वेश्चन नंबर 28 करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना, जब भी सूचना का आदान प्रदान बोले उत्तर केवल नेटवर्क आएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए और ऑप्शन देगा। ठीक है, एक्सपेंशन बोर्ड मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डंब टर्मिनल होता है। डिजिटल डिवाइस वो डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल रूप से डेटा स्टोर हो पा रहा है। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हार्डवेयर होते हैं जिनको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जिनका एड्रेस मैक होता है। जब भी बोले आदान प्रदान करना है तो डेटा को आदान प्रदान करने के लिए नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, करिए जरा इसको भी। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा है? अगर हम टिपिकल नेटवर्क की बात करते हैं तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ फटाफट से। टिपिकल नेटवर्किंग में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर, सेवा देने वाला, सर्विस देने वाला, टिपिकल कंप्यूटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर या नेटवर्क कह सकते हो, नेटवर्क सर्वर होता है। सर्विस देने वाला सिस्टम जिसका काम है सेवा देना जो उसके पास उपलब्ध है। ठीक है, तो टिपिकल नेटवर्किंग में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर, नेटवर्क करके टिपिकली मतलब आप उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो जहां पर बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध है। देने के लिए किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, सर्वर का, क्योंकि सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, सेवा प्रदान करता है, सर्वर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मेन फ्रेम कंप्यूटर एज अ सर्वर इस्तेमाल किया जाता है। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर मार्क वन था, फिराती मार्क वन। क्वेश्चन नंबर 30, पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या कनेक्ट किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, पता नहीं क्या बना रही है, पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये केवल क्वेश्चन को घुमाया है इसने और कुछ नहीं किया है, बस नेटवर्क, जहां पे भी डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है, वहां पे केवल नेटवर्क ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर देना है। ठीक है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड। यहां तो नेटवर्क भी ऑप्शन में नहीं है। इसका उत्तर आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देंगे। कंप्यूटर की क्लास आपकी डेली होती है, कितने बजे होती है? तो रोज दोपहर 1 बजे होती है। नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको जरूर आना है सेशन में। ये सेशन इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो SSC CGL मेंस के लिए कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, जो हरियाणा या राजस्थान स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, या वो बच्चे जो दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर एक ऐसी क्लास जो रामबाण है सभी के सभी एग्जाम्स के लिए। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि टॉपिक चेंज करके मैं हर एक टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ। मैंने पहले ही बोला था कॉपी और पेन जरूर रख लिया करो अपने पास, क्योंकि बहुत काम आएंगी ये सारे के सारे नोट्स जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पर। ठीक है, बाकी अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, और डेली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेशन के अंदर नई जानकारियों के साथ। तो मिलते हैं कल अपने टाइम पर, ठीक दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और सावधान रहिए उन लोगों से जो डिजिटल चोरी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।